हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू लेम्बड़ा इंस्टीट्यूट फिजिक्स। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर विशाल सर से फिजिक्स पढ़ने के लिए स्टूडेंट तैयार हो जाओ। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक का, फिजिक्स 12 साइंस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट्स। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन करंट एलिमेंट्स जो कि बायोट सावर्ट लॉ है, बराबर। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। सो स्टूडेंट, भी हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट्स, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। इस वीडियो में हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट। किसी भी फील्ड के अंदर करंट पास कराएंगे तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड करंट होती है, ठीक है। सो इसके अंदर थंब की डायरेक्शन और करंट फ्लो होती है और इसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड करंट, इसको हम बोलेंगे। इसकी डायरेक्शन जो अपवर्ड डायरेक्शन है, उंगली की जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और इसके ऊपर देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज की नज़र आएंगी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और नीचे की ओर से ऊपर की ओर जाता है। सो और इस फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की स्टेट कितनी होती है, इसकी मैग्नेटिक कितनी होती है, ये भी बताता है बायो सावर्ट लॉ। तो नीचे से ऊपर की ओर की जो डायरेक्शन है वो एक छोटी सी लेंथ कंसाइडर करेंगे dl, जो आप फिगर के अंदर देख रहे हैं dl, और ये करंट की डायरेक्शन है। dl किसकी डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन है। करंट से मल्टीपल होगी तो बनेगी I इंटू dl और वेक्टर क्वांटिटी बनेगी, तो ये बन गया dl। और पॉइंट P के ऊपर पोजीशन वेक्टर बनेगा, पॉइंट P के ऊपर पोजीशन वेक्टर बनेगा r, और ये dl और r के बीच का जो वेक्टर होगा, जो होगा वो होगा थीटा। dl और r के बीच का जो वेक्टर होगा उसको बोलेंगे हम थीटा। सो स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड की डिपेंड किसके ऊपर होती है, वो i के ऊपर डिपेंड होता है। तो i के ऊपर अगर डिपेंड होगा, करंट एलिमेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो i dl के ऊपर वो डिपेंड होगा, तो डी बी प्रोपोर्शनल आई। सो डी बी प्रोपोर्शनल आई, तो अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो डी बी प्रोपोर्शनल डी एल, और डी बी प्रोपोर्शनल साइन थीटा। सो यहाँ पर साइन थीटा बच्चों कैसा है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे, एक डीएल की डायरेक्शन ड्रॉ करके हम बात करने वाले हैं। तो डीएल की अपवर्ड डायरेक्शन है, सो और आर जब कम होगा तब आर की डायरेक्शन, अगर आर की वैल्यू ज़ीरो होती है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी ज़ीरो होती है, आर की वैल्यू और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू की भी ज़ीरो होती है, तो आर धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है, तो थीटा की मतलब कि साइन की वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो होती है, इसके लिए मतलब कि साइन थीटा यहाँ पर आने वाला है। सो नेक्स्ट, इसके लिए साइन की वैल्यू मिनिमम होगी, इसके लिए साइन थीटा विल बी ज़ीरो भी हम लिख सकते हैं। और नेक्स्ट, डी बी प्रोपोर्शनल वन अपॉन आर स्क्वायर, डी बी प्रोपोर्शनल वन अपॉन आर स्क्वायर। सो बच्चों, यहाँ पर अब हम कंबाइन करेंगे, डी बी को कंबाइन करेंगे, तो यहाँ पर जो एंगल थीटा भी दे रखी है, सो कंबाइन करेंगे तो डी बी प्रोपोर्शनल आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो प्रोपोर्शनल को निकलेक्ट करेंगे तो मिलेगी वैल्यू डी बी इक्वल टू म्यू ज़ीरो अपॉन फोर पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सो म्यू ज़ीरो, वेयर म्यू ज़ीरो इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री प्रेस। सो और वैल्यू ऑफ म्यू ज़ीरो अपॉन फोर पाई, और म्यू ज़ीरो अपॉन फोर पाई की जो वैल्यू है
वो बनेगी यहाँ पर 10^-7, बराबर यहाँ पर म्यू जीरो की वैल्यू बनेगी म्यू जीरो अपन 4π इक्वल टू 10^-7 टेस्ला मीटर अपन एम्पियर। सो बच्चों यहाँ पर अभी मैंने बायो सावर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म के अंदर अगर किसी मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि डी वी जो भी वेक्टर फॉर्म के अंदर मैं इसको लिख सकता हूँ, डी बी इक्वल टू म्यू जीरो अपन 4π आई डी एल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर, जो ऊपर का जो स्टेप है उसको नीचे लिखो, इनटू आर डिवाइडेड मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड, आर को ऊपर और नीचे दोनों से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो तो मुझे नई वैल्यू मिलेगी म्यू जीरो अपन 4π आई डी एल साइन थीटा अपन आर क्यूब। सो बच्चों डी वी इक्वल टू म्यू जीरो अपन 4π वेयर डी एल आर साइन थीटा इक्वल टू डी एल इंटू आर वैक्टर। सो इक्वल टू मुझे वैल्यू मिलेगी विल बी 1। सो डी वी इक्वल टू म्यू जीरो अपन 4π आई डी एल इंटू आर बाय आर क्यूब, जो बायो सावर्ट लॉ ये वैक्टर फॉर्म के अंदर बताता है।